यूपी पुलिस को जब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा हाथ नहीं लगा तो उसके घर पर ही ढोल नगाड़े लेकर पहुंच गए। पूरे तामझाम के साथ उनके घर पर नोटिस चिपका दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को पुलिस का ये रवैया रास नहीं आया, तो फिलहाल बीजेपी के नजदीक जा रहे ओपी राजभर से भी लोगों ने तीखे सवाल किए। बता दें कि अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा पार्टी से मऊ से विधायक हैं। आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में यूपी की कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी वारंट निकाल रखे हैं, पर आभास है कि पुलिस के हाथ ही नहीं लग रहे। पुलिस को उनको यहाँ वहाँ तलाश कर रही है। खींच में आकर उनसे जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त करने के साथ निर्माण कार्यों को धूल में मिलाने की कार्रवाई भी हो रही। पुलिस का कहना है कि मुख्तार को बख्शा नहीं जाएगा। उनसे जुड़े हर शख्स की बारीकी से निगरानी की जा रही है। उधर तमाम घटनाक्रमों के बीच बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने में लगे ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के विधायक हैं, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। उनका यहां तक कहना है कि अगर उनकी पार्टी का भाजपा से गठबंधन हो जाता है तो मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी उनके साथ दिखेगा। ध्यान रहे कि राजभर ने 2022 का असेंबली चुनाव अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके लड़ा था, पर फिर दोनों के बीच तल्खी दिखने लगी। माना जा रहा है कि ओपी राजभर का सपा से गठबंधन टूट सकता है। राजभर खेमा बदल सकते हैं। अगर वो बीजेपी के साथ गए तो तकनीकी रूप से अब्बास अंसारी को भी उनके साथ जाना होगा। ओपी राजभर को योगी सरकार ने हाल ही में वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में उनके 2022 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई है। ऐसे में योगी की पुलिस जिस तरह से अंसारी परिवार पर हमलावर है, उसमें सोशल मीडिया पर राजभर से सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सुभाषपा चीफ पर क्या कर रहे हैं, वो तो अब बीजेपी के साथ हैं तो अब्बास को क्यों नहीं बचाते। बता दें कि महानगर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह ने 2019 में अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया था। मामले में पेशी से गायब रहने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद ही पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें बना दी थी। वहीं सर्विलांस की मदद से अंसारी की लोकेशन पंजाब में मिली थी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली, मऊ, गाजीपुर, बाराबंकी और लखनऊ में कई जगह दबिश दी गई, लेकिन अब्बास को पकड़ नहीं सके। हताश हो चुकी पुलिस ने विधायक को भगोरा घोषित करने के लिए अर्जी दी थी, पर कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए आदेश दिया था कि विधायक को 25 अगस्त तक गिरफ्तार कर पेश करे। इसके बाद पुलिस ने मेट्रो सिटी स्थित विधायक के निजी फ्लैट पर पूछताछ की, साथ ही वजीरगंज और विधायक आवास पर कई बार दबिश दी, लेकिन खाली हाथ रहे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।